के सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, यानी ममता चौहान के, यानी मऊ जिला में पड़ता है, वहीं आवास पर पहुंच चुके हैं। काफी मातम छा गया है, लेकिन आकांक्षा दुबे के बाद यानी ममता चौहान के एक बार फिर ऐसा दर्दनाक घटना हुआ। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। यानी देखिए, यहाँ पर ममता जी के बहन है, मैं चाहूँगा कैमरामैन से दिखाएं क्या हुआ था। इधर साजिए, इधर साजिए, क्या ममता जी के क्या हुआ है? सर बीमार थी, हाँ, टाइफाइड बुखार था, उसकी शरीर में थोड़ा भी ब्लड नहीं था, हाँ, और इसीलिए एक्सपायर हो गई। हाँ हाँ सर। कब घटना हुआ है? 1:30 बजे। 1:30 बजे दिन में? हाँ, सोई थी और वहीं पे उसकी घटना हो गई। हाँ हाँ। कैसे घटना हुआ थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए। सर हम नहीं थे, अपने घर पे थे, और वो सोई थी, तबीयत खराब हो गया था और छपटा रही थी, और उसी समय उसका प्राण जो निकल गया। देखिए, लगातार मैंने दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, यानी ममता चौहान के घर पर हूँ और लगातार मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आकांक्षा दुबे के बाद भोजपुरी में लगातार घटना हो रहा है, ये कैसे हुआ? लोग बोल रहा है कि ये फांसी लगा ली, क्या कैसे? नहीं, फांसी नहीं लगाई थी, उसकी बहुत तबीयत खराब थी, बवासीर था उसको, बहुत बीमार था और बहुत दिन से वो दवाई कर रही थी, और दवाई खाते खाते उसका जीव घबरा गया था, तो बोल रही थी कि अब हमें जीने का उत्थू नहीं है, हम जिएंगे नहीं, बहुत हमारे शरीर में रोग हो चुका है। भोजपुरी में कब से गीत गा रही थी? 2 साल से। हिट पे हिट गाना सीख रही थी, हाँ, और हिट पे हिट गाना तो अभी जल्दी से हो रहा था, 2-4 महीने से। देखिए, ये गांव का ये नज़ारा दिखा रहे हैं, किस तरह से ममता के घर पर हूँ, ममता चौहान के घर पर मातम छाया हुआ है। लगातार कैमरामैन इधर से आइए, दिखाएं किस तरह से, और देखिए किस तरह से गांव में हम पहुँच चुके हैं। ममता जी के आप क्या लगती थी? बड़े भाभी हैं। कैसे घटना हो गया? उनका तबीयत 6 महीने से खराब है। 6 महीने से हाँ। क्या कैसे घटना हो गया? वो ब्लड उनका 6 महीने से चलते रहा है, पैखाना के रहे, बैसिड़ हो रहा, बुखार अलग रहा, दवाई हटा दीजिए, अपन दवाई बीरो करावत रही, उनके दवाई सुट ना करत रहा, असरो ना करत रहा, आ खून की कमी से उनका देह फुलत जात रहा, तो सब दवाई ना करावत रहे। कहे ना, 3 दिन पहले दवाई सारा दो तीन बार भर्ती भर लिए, 3 दिन पहले दवाई लेके अली, तो कहली कि मम्मी हमके अब दवाई मत करा, अब हम जियब ना। लोग कहा था कि खुदकुशी कर लेनी। अरे भाई, लोग का तो खुशी हुई फंसावला के लिए, फंसाने के लिए लोग का खुशी है, हम लोग का खुश रहेगा तो रोएगा? वो आदमी का अलग बात है, आदमी का अलग बात है, वो आदमी का तो खुशी है तो आदमी कुछ भी कह सके, लेकिन हम लोग ना जानते हैं ममता के बारे में कि ममता का क्या हाल है। देखिए, यही जो परिवार है, काफ़ी दुखद घटना है ममता चौहान के। लगातार मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, कैमरा में थोड़ा दिखाते रहेंगे, और किस तरह से, और आपको कब लास्ट बात हुआ? हम ये जब देखने तो उर लौकली ना ही, अगल बगल हम तक नहीं था ना लौकली, तो इनकर मम्मी बतौली कि सुतल बाड़ी, तो ये अपन कहीं चल गई, आ हमने को सुतल बैठल नहीं, तो हमने को उठ के अपने अपने घर में कहीं जाकर रुका, तो कुछ कल जाते कहीं से घूम फिर के, तो उनके लगली जगावे खातिर के, दवाई खियावे खातिर के बनी उठा दवाई खा ला, तो बनी जब बाड़ी के उठी, हाँ, बनी जब मर गए रही, तो लगली चिल्लाए, तो हमने अपन घर में से उठ कर ली जाए, तो देखते नहीं तो है ही ना। ममता जी कब से गाना गावत रही भोजपुरी? अरे 3-4 बरिस से गावत रही, हिट पे हिट गाना। देखिए, ममता जी के एकदम दुखद घटना है, और हम पहुंच चुके हैं, मैं चलूंगा, कुछ दिखाएंगे अंदर का, ये विजुअल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, करेंगे, कैमरा पर्सन आते रहेंगे। देखिए, कुछ परिजन लोग हैं और माता जी यहाँ पर, देखें किस तरह से, दिखाएं कैमरा में, दिखाएं किस तरह से सोई हैं, यानी मातम में सोई हैं, और देखिए क्या हाल चल माता जी। बाबू हमके घबराहट होती है, बीपी हमके बहुत कसम। ममता जी के कैसे घटना हो गई? ममता जी के घटना बाबू वहीं पर सुतल रही 4 दिन से, खाना उना एकदम छोड़ दिया लेनी, ना खाती रही, आम पिछवरवा गईली, तेज पैखाना में वजन से अली, तो गिर के वजन से जीविया निकाल दिया ले रही, तो उठा के इतर कहते ममता ममता, ते को बोल भी ना करे, इस पर रो गई रही, ये बात है बाबू। अच्छा, बाबू के कुछ कह दे, वो बात थोड़े ना हुए, केहू तो सच्चाई बा, लोग देखता, कुछ केहू कह दे, बसावे खातिर हमके 3 गो लाइन नाती हम सब उन्होंने के लेके, बाबू अब हमके पोसे के बाद कैसे पोसब, हमें बड़ा चक्कर में बन के हम मर जाए कि जी हम बाबू गोरखपुरिया भौजी लगा कि फांसी लगा के, हाँ तो गोरखपुरिया भौजी कहबे करिए,
का सच्चाई बा बोल दी रहुआ दर्शक के लोग तमाम सच्चाई का तो कलिया हमसे हुए कि के बात कैलम कुल बतिए उनसे बतावली कि 6 महीना से तय भाई का बुखार हो गया था। ममता के 2 गो खून का जांच करवली, 2 बेर हॉस्पिटल में भर्ती कैली तब भी ना निक भैली। उसके ऊपर शैतानो था उसलिए वो कभी को कभी बक रही थी। हाँ, वो के झाड़ फूक करवली, वो से ना कुछ भइल। तब बताई बाबू हम कवन उपाय करी। अब लोग कुछ कह सकता है, दुश्मन ही पड़ जाता है कि इसको फंसा के एकदम घर नष्ट करवा दे। घर नष्ट हो ही गया, पतोई जवान मर गई, मलिकार मर गई ना, लड़की मर गई, बाबू कैसी हम जी अब तो ही बता आगे पीछे केहू नहीं खेराओ, केहू नहीं खे बाबू, यानी कमा के खियावत रही हूं के और चलाओ रही हूं। कह चले कि मम्मी अब हम पैसा पाई तो हमन का जिंदगी बन जाई। का जिंदगी बनाई है, गई छोड़ के चल गई ली दुनिया। कहत रही कि बहुत सुख दुख दे हम बहुत अच्छा से रखम, स्टार बन जाई। हां, स्टार बन जाई तो स्टार भी रही, गाना तमाम हिट भी रहे। हां, का गाना ये तो रोजी रोटी चलावत रही ना। हां, 2 साल से गावत रहली। हो देखिए आप लोग माता के ये आप लोग आवाज सुन रहे हैं, किस तरह से अपना बयान दे रही हैं कि लगातार, यानी आप लोग सोशल मीडिया में जितने आप लोग दर्शक देख रहे हैं इतना से शेयर कीजिए कि ममता को कम से कम सेलिब्रिटी तक ले आवाज पहुंचना चाहिए, क्योंकि जितने चौहान लोग जितने कलाकार हैं आप लोग आइए एक बार चौहान समाज के लिए आप आगे आइए, और कोई नहीं आएगा। तो चौहान जितने कलाकार हैं आप लोग आइए, आप लोग दिल्ली ढाका बॉम्बे रहते हैं, आप लोग चौहान जाति के लिए आप आवाज़ उठाइए लगातार। ये देखिए एक छोटी ये गायिका थी यानी ममता जी, और देखिए लगातार उनके साथ काम करने वाले थे यानी महादेव, इस वक्त हमारे साथ लाइव है यानी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? रोइए ना एकदम एकदम दिल थाम कर रखिए। आज जिसको अपनी जिंदगी मान बैठे थे उस दुनिया में नहीं है। जिनको हर पल साथ देते थे सबसे मिली थी तब से, वो आज दुनिया में हमको छोड़ के चली गई। आज लोग तरह तरह की बातें बना रहे भैया। आप पर आरोप लग रहा है, क्या कहिएगा? दुनिया को चुकेला हमारे कुनी भैया जानते हैं कि हम क्या करता ली और कितना करता ली। भैया आप खुद हमारे घर पे जाते थे, आपको खुद पता होना चाहिए। कैसे घटना हुआ थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए, हटाइए सामने आने दीजिए कैमरा पर्सन को। देखिए सर जी, हम यहाँ पे आए थे मम्मी के पास, हम आते जाते रहते थे। देखिए जब अपना संबंध बन जाता है तो कोई कहीं पे आता जाता है तो मम्मी हमको अपना बेटा मान ली थी और बेटा मानती है, और मम्मी का हमेशा हम साथ देंगे, भले आज हमारी ममता नहीं है लेकिन हम मम्मी का साथ कभी जीवन में नहीं छोड़ेंगे। हाँ, क्योंकि हमारी माँ है। क्या क्या थी, क्या रोग था थोड़ा बताइए? टाइफाइड बुखार था क्या सर जी? टाइफाइड बुखार था, उनको 3 दिक्कतें थी। टाइफाइड बुखार था, अब लड़के बता नहीं सकते पब्लिक के बीच में, 2 दिक्कतें अंदर की थी, उसका भी दवा करा देते, प्लस ऊपरी छाया जो होता है। हम अपने चैनल मिस्टर भी सुन रहा शॉर्ट पे 3 वीडियो डाले सर जी, 3 वीडियो। चलिए पब्लिक देखे हैं, 1.5 लाख लोग देखे हैं। आपका दर्द आपको मैं समझ रहा हूँ, लेकिन भोजपुरी के जाने माने खूनी लाल हैं हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। कैसे घटना हुआ खूनी जी? देखिए हम तो नहीं थे लेकिन मतलब बता रहे थे, हम तो बक्सर में थे तो हमको शाम को पता चला 5 बजे कि ममता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमको यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब ऐसा घटना हो सकता है। लेकिन कुछ देर बाद हम वीडियो कॉलिंग किए, हमको यकीन नहीं हो रहा था तो कॉल किए वीडियो कॉलिंग, तो सब लोग दिखाए तो हम वहाँ से बक्सर से अब चले आए, यहाँ नहीं आए, अपने घर आने शुरू कर दिए। वहाँ से अपने साधन से नहीं आए, वो साधन आ रहे थे, हमको 11 बज गए, रात 11 बज गए वहाँ से आने में हमको, तो हम नहीं आ पाए। उसके बाद सुबह कि हम भी नहीं आए थे, लेकिन हम हमारे विष्णु भैया अमरनाथ भाई हमारे विष्णु भैया नहीं थे घर पे, हम उनको फोन किए, 150 किलोमीटर गाड़ी। कौन कौन कलाकार यहाँ पर पहुँचे हैं आप?
हमारे विष्णु भैया और हमारे दो तीन लोग और थे, छह लोग आए थे गाड़ी में, अपनी गाड़ी में जो हमारी छोटी सी गाड़ी है। मम्मी से पूछ आप लोग जितने कलाकार हैं एक बार कम से कम इस घटना के देखने के लिए आप लोग पहुंचिए। और देखिए यहीं पर जो ममता जी का ये मकान है, मैं विजुअल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए खाना नहीं बन रहा है क्योंकि ये घटना देखकर कम से कम जरूरी है दर्शकों के दिखाना, क्योंकि मातम छाया हुआ है इनके घर। मैं दर्शकों के दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक गरीब परिवार के ममता चौहान थी, चौहान जाति से आती हैं, यूपी के बेटी हैं, मऊ जिला के, और लगातार ये मीडिया के हुजूम भी है। दर्शकों के दिखा दीजिए, मीडिया एकदम लगातार पहुँच रहे हैं। मीडिया ट्रायल होना चाहिए क्योंकि इंसाफ मिलना चाहिए। क्यों होगा क्यों नहीं, सरकार से क्या मांग है, सरकार से क्या मांग है आप लोग का, कुछ मिला मुआवजा वगैरह? ना बाबू, नहीं मिला मुआवजा कुछ? नहीं, कुछ नहीं मिला सरकार से। पोस्टमार्टम भी हुआ है कि नहीं? नहीं, मन नॉर्मल आप लोग दफना दिए? हाँ, नॉर्मल दफना दे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम यानी ममता चौहान के घर पर थे और बहुत कुछ अहम खबर मिला, क्योंकि ये असली जानना जरूरी है कि ये आत्महत्या नहीं की थी, कुछ रोग था। और लगातार सोशल मीडिया में हवा उठ रहा है कि फांसी लगा ली, चाहे ये आत्महत्या की है। ममता चौहान भोजपुरी के जाने माने कलाकार है और चौहान जाति के जितने कलाकार हैं, आप लोग आइए, आप लोग इनके परिवार से मिलिए। हाँ हाँ बोलिए, बोलना चाहते हैं जितने चौहान जात के हैं जो भी हैं भैया, तो इस माँ का मतलब जो भी दर्द है आके कुछ को, हम तो किसी को नहीं बोलेंगे, सिर्फ माँ का दर्द समझे। चौहान जितने जात भाई हैं उनको सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग आइए एक बार। बोलती थी कि भैया हम चौहान के लिए मर मिटेंगे हमेशा, हम खुनीलाल यादव और ममता चौहान दोनों लोग चौहान का खाली गाना गाते थे हम लोग, इतना चौहान पर मर मिटती थी कि सब लोग सपोर्ट करते हैं। हम आज वहीं हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, इस माँ का दर्द समझे सबको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन विनोद के साथ मैं मनीष कुमार, आरती न्यूज लाइव यूपी। देखिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ममता सुमन देवी है ना जी, सुमन देवी उनका भाभी हैं, उनका भाभी हैं। और देखिए इनका पिताजी हैं राम स्वरूप, ये उनका पिताजी हैं। और लगातार मैं विजुअल दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ममता चौहान के हम लोग गांव में हैं, लगातार पूछने का प्रयास कर रहा हूँ। दादी चाहे आजी लागब आए, ममता चौहान की कैसे घटना हो गई गाजन बाबू हमारे जगह ना देखनी है। चलिए रोगा जाना तनी ममता चौहान के। हाँ, कैसे घटना भाई? घटना तो उनको तबियत खराब रहे, तबियत खराब रहे। हाँ, वहाँ के लोग अफवाह भी करता कि लोग फांसी लगा लग आत्महत्या कर ले ली, ऐसा कोनो घटना? हाँ, जानते हैं कि दुश्मन बहुत अगल बगल के आदमी बहुत ज्यादा होना। हाँ, ऐसा कोनो घटना न? चलिए बहुत अच्छा लगल, और लगातार हम प्रयास करेंगे गांव के लोगों से बातचीत करने के लिए। देखिए कुछ हमारे महिला बहन हैं ममता चौहान की जान। हाँ, ऐसे घटना हो गई? हमन घर दूर है, बाकी हमन किधर ना रहे। अच्छा अच्छा, घर में कैसा लड़की रही? अच्छा रहनी है रुआ जानते नहीं। देखिए हम मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, सामने से कुछ महिला से पूछना चाहेंगे। ममता चौहान की जानत नहीं? हाँ, हाँ, कैसे जी? बहुत अच्छा लड़की थी। आप थी कैसे घटना? तबियत खराब था छह महीना से। कुछ लोग कहता कि खुदकुशी कर ले ली, फांसी लगा? नहीं नहीं, गलत बात है, गलत बात है। हाँ, हम लोग का घर उधर है। देखिए गांव के भी कहना है कि कहीं ना कहीं घटना नहीं है, ये जो तबीयत के कारण से ये घटना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, काट दीजिए।